दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्री फायर मैक्स गेम के आईडी कैसे बना सकते हो। बहुत सारे फ्रेंड लोगों को पता होता है, बहुत सारे फ्रेंड लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप कैसे आप जो कि फ्री फायर मैक्स गेम की आईडी आप बनाते हो तो आपकी आईडी बहुत ही लंबा टाइम तक चलेगा, मतलब आपके जो आईडी है बंद होने का संभावना बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस वीडियो को जरूर से जरूर देखना चाहिए। और कैसे मैं एक न्यू आईडी बनाऊंगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल बताऊंगा, और किस तरह से बनाऊंगा, किस से बनाऊंगा ताकि हमारा जो आईडी है बहुत ही लॉन्ग टाइम तक एक्टिव रहे और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले हम लोग यहां पर फ्री फायर मैक्स गेम की न्यू आईडी बनाने के लिए यहां पर फ्री फायर मैक्स गेम पे हम लोग टच करेंगे और गेम यहां पर जो कि ओपन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह आपका यहां पर ओपन हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर कॉन्फर्म पे हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, और एक बार यहाँ पर अलाउ पिंग टाइप का। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर गेम जो कि यहाँ पर फाइनली ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखा रहा है कि आप यहाँ पर किससे लॉगिन कर सकते हो। तीनों ऑप्शन दिखा रहा है कि यहाँ पर फेसबुक से, गोस्ट अकाउंट से और मोर ऑप्शन से। मोर ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर और भी तीन ऑप्शन दिखाता है, साइन विथ VK, गूगल से साइन और ट्विटर से साइन। फिलहाल दोस्तों मैं इसको बोले हमको थोड़ा मैं आहिस्ता करूँगा। फिलहाल दोस्तों अगर आप बताएंगे कि किस में अगर हम साइन करेंगे तो हमारा जो आईडी है वो एकदम लॉन्ग टाइप तक चलेगा और आईडी बंद होने का संभावना बहुत ही कम हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर गोस्ट अकाउंट से लॉगिन करते हो तो आपकी जो आईडी है तुरंत मतलब बंद हो जाने का डर काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब भी आपने फ्री फायर मैक्स गेम को अनस्टॉल कर देते हो तो आपके जो गोस्ट अकाउंट है वो भी अनस्टॉल ही हो जाता है। तो यहाँ पर गोस्ट अकाउंट से आपको लॉगिन नहीं करना है। और दोस्तों अगर आपने फेसबुक से लॉगिन करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है फेसबुक में ऐसा वैसा अपने एक्टिविटी करने के वजह से फेसबुक ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे में आपको जो फ्री फायर के जो आईडी वो भी ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि अगर आपके फेसबुक आईडी नहीं रहेगा तो आपके फ्री फायर के आईडी भी नहीं रहेगा। तो ऐसे में आपको फेसबुक का आईडी से लॉगिन करने से काफी यहाँ पर भविष्य में प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मोर ऑप्शन में क्लिक कीजिए, यहाँ पर गूगल में क्लिक कीजिए और गूगल से यहाँ पर जो भी जीमेल आईडी है उसी जीमेल आईडी से आप यहाँ पर लॉगिन कीजिए। लेकिन जीमेल आईडी का आईडी और पासवर्ड आप जोर से जोर आप किसी भी जगह पर लिख कर रख दीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मैंने यहां पर गूगल से लॉगिन करूंगा तो मोर ऑप्शन में क्लिक किया हूं और यहां पर फाइनली लॉगिन हो चुका है। आप देख सकते हो गूगल पे जैसे मैंने टच किया हूं तो यहां पर फर्स्ट टाइम आपको यहां पर आईडी आपको कैसे क्रिएट करना है। देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर बिगिनर पे क्लिक करके यहां पर कॉन्फर्म में क्लिक कीजिएगा, और कॉन्फर्म में क्लिक करने के बाद यहां पर नेम जो कि अपने मनपसंद के अगर आप रखना चाहते हो तो नेम को अपने मनपसंद आप रखिए। जैसे एग्जांपल मैं यहां पर दे देता हूं, जैसे दोस्तों मैंने नाम यहां पर दे दिया हूं स्टार्ट शुरू, और यहां पर राइट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट शुरू जो कि मैंने यहाँ पर नाम दिया हो। आप चाहे तो अपने मनपसंद का भी नाम दे सकते हो। अगर आपके नाम यहाँ पर मैचिंग नहीं कर रहा है, अगर आपको नेम अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो थोड़ा मोड़ा आपको नेम को चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर लेस्ट गो में क्लिक करके देखता हूँ नाम अवेलेबल है कि नहीं, तो मेरे को यहाँ पर नाम अवेलेबल नहीं है जो कि यहाँ पर रेट यहाँ पर दिखा रहा है, तो मेरे को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जो कि 99 दे देता हूँ और यहाँ पर राइट में क्लिक, और एक बार यहाँ पर मैं लेस्ट गो में क्लिक करता हूँ तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा नाम यहाँ पर अवेलेबल मेरे को मिल चुका है। तो गाइस अगर आपको यहाँ पर नेम अवेलेबल नहीं मिलता थोड़ा आप चेंज कर लीजिएगा, तभी आप देखेंगे आपके जो आईडी है यहाँ पर बन जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर तो बन ही चुका है, आपको यहाँ पर मैं क्लिक कर के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसमें क्लिक करेंगे और सामने जाएंगे। तो ये तो फास्ट स्टेप है, हम लोग को ये कंप्लीट करना है तो ये काफ़ी आराम से कंप्लीट हो ही जाता है, और उसके बाद जो भी एनिमी है हम लोग को मारना होता है, बस यही है, हो ही चुका है। और गाइस हम भी हम लोग इस साइड में जाएंगे, तो हम लोग इसको हेडशॉट मारेंगे, इसको रिवाइव करेंगे, फर्स्ट टाइम रिवाइव करेंगे, बस हो ही जाएगा। फाइनली हम लोग मेडिकेट मारेंगे और वहाँ पर एक बंदा आएगा, उनके सामने जाएंगे और दोनों मिलके मारेंगे। एनिमी मारेंगे, तो फाइनली हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ओके तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग कंट्रोल में क्लिक करेंगे। और गाइस फाइनली हमारा यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दे दिया है, और जैसे हम लोग यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करेंगे हमारा जो गेम प्ले है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है।
तो गाइस इस तरह से काफ़ी आराम से अपने फ्री फायर मैक्स गेम की न्यू आईडी आप क्रिएट कर सकते हो। फ्री फायर मैक्स गेम की आईडी आप जीमेल आईडी से आप क्रिएट कर सकते हो ताकि आपके जो भी अकाउंट है वो लॉन्ग टाइम तक चले। तो इसलिए आपको ये काफ़ी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी आराम से अपने फ्री फायर मैक्स गेम की न्यू आईडी आप बना सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आएंगे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन करके दबा दीजिएगा। जब भी नया वीडियो अपलोड चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।